हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम अड्डा 2.0। तो फ्रेंड्स, आपण समस्तंकु आम यूट्यूब चैनल एग्जाम अड्डा 2.0 रे स्वागत। आज आम ए वीडियो रे डिस्कशन करिबा किछि मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड करंट अफेयर्स उपरे। तो देखंतु एथिरे आम करंट अफेयर्स सीरीज नेके आछे 2021-2022 रो कवर करिबा पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट 1500 सिलेक्टेड क्वेश्चन, आमर 1500 प्लस क्वेश्चन डिस्कशन करिबा जहाँ कि एग्जाम पे इम्पोर्टेंट रहइबो, खास करी ओपीएससी एएसओ एग्जाम पे इम्पोर्टेंट रहइबो। आमर अगस्ट मास रे एएसओ एग्जाम होछि, सेति पे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहइबो। आउ आमर ओडिसा सीजेल मध्ये नोटिफिकेशन आसी जाइछि, सीएचटी मध्ये आमर अगस्ट मास रे पुनी आसुछि, सेति पे मध्ये इम्पोर्टेंट रहइबो। ता सहित आमर एसएसडी इनिशियल अपॉइंट टीचर आमर जो ऑफलाइन रे एग्जाम होबो तार मध्ये वर्तमान ऑफलाइन लास्ट डेट सरि जाइछि, वर्तमान से मानकर मध्ये अगस्ट किबा सेप्टेम्बर रे सेमान हेबार चांसेस रही। तो समस्त इम्पोर्टेंट रोच, तो एवठ प्रिपरेशन जारी रखु जहाद्वारा आप मैंने आराम से क्रैक करेंगे। ये हूँ पार्ट वन, एम डिस्कसन करवा टोटल 35 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन। आप आउट ऑफ 35 के स्कोर रखुच्च कमेंट बॉक्स रे मध्य निहाती भावे जनई पारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच एयरपोर्ट हैज बीन एडजर्ज एज द बेस्ट एयरपोर्ट अंडर द जनरल कैटेगोरी एट विंग्स इंडिया 2022। तो कौन कहे ना, विंग्स इंडिया 2022 रे जनरल कैटेगोरी रे बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड क्यों एयरपोर्ट को दिगला। चार ऑप्शन रही, राजीव गांधी इंटरनेशनल, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल, केम्पागोड़ा इंटरनेशनल, ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आम करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी, केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर्नाटक रे अवस्थित, जहाँकि बेंगलोर अवस्थित। से ही एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड दिगला जनरल कैटेगोरी रे। ऑप्शन नंबर सी जो मैंने टिक कर एक मार्क एड करे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नेम द विनर ऑफ द स्टॉकहोम वाटर प्राइज फॉर 2022। तो 2022 रो स्टॉकहोम वाटर प्राइज विजेता किए। तो चार ऑप्शन रही, आप ऑप्शन देखि पड़ते, तो ये आम सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर डी, विल्फ्रेड ब्रुटसार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन फीचर्ड इन द टाइम 100 इंपैक्ट अवार्ड्स 2022। आमर टाइम 100 इंपैक्ट अवार्ड 2022 रे क्या नामित करना रही। तो ये चार ऑप्शन रही, आप देखी पड़ते, करेक्ट आंसर आपण मानक ऑप्शन नंबर डी, दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एनडीआरएफ डायरेक्टर जनरल। तो नुआ एनडीआरएफ डायरेक्टर जनरल किए निजुक्ति होती। तो करेक्ट आंसर हो कौन, चार ऑप्शन रही, अतुल करवाल, हर्षवर्धन सिंह, के वेणुगोपाल, नजरुल इस्लाम। तो एनडीआरएफ रो नुआ डीजी होती अतुल करवाल, अतुल करवाल। एनडीआरएफ फुल फॉर्म होची नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, तार नुआ डीजी हेले अतुल करवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अक्टोबर। तो अक्टोबर रो आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ रे कहा को नामित करा जाए थी? तो सोफिया क्लेस्टोन, कैथरीन ब्राइस, स्टेफानी टेलर, लौरा डेलानी। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी, लौरा डेलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, पीएम मोदी लॉन्च्ड ए मंथ लॉन्ग कैंपेन फॉर कोविड 19 वैक्सीनेशन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन। तो प्रधानमंत्री मोदी गोटे मासे धरिकी गोटे माने मासिकिया गोटे कोविड 19 वैक्सीनेशन कैंपेन गोटे अभियान लॉन्च करथिले, तो ता ना कौन से पचार। तो चार ऑप्शन रही, करेक्ट आंसर है हर घर दस्तक, हर घर दस्तक नाम गोटे कैंपेन लॉन्च करते कोविड 19 वैक्सीनेशन रिलेटेड, जहाँकि गोटे मासे प्राय चली था से कैंपेन। नेक्स्ट रही, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जहाँ आम शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए सीआईएसएफ। सीआईएसएफ रो नुआ डीजी किए निजुक्ति पाई। चार ऑप्शन रही, पंकज कुमार सिंह, सिल्वर्धन सिंह, एसएन प्रधान, अतुल करवाल। तो वर्तमान नुआ डीजी हेले सीआईएसएफ रो सिल्वर्धन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज क्राउंड द टाइटल ऑफ मिस इंडिया अर्थ 2021। 2021 रो मिस इंडिया अर्थ टाइटल रो विजेता किए, रश्मि माधुरी, आंड्रिया मेजा, हरनाज संधु, बैदेही डोंगरे। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए, रश्मि माधुरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू वाज द विनर ऑफ फास्ट मिस इंडिया 2021 टाइटल तो 2021 फास्ट मिस इंडिया टाइटल रो विजेता किए तो पर्ल अग्रवाल श्रेया गुप्ता रैन सिक्री ना सुवी धनेटा तो मिस फास्ट मिस इंडिया 2021 टाइटल रो विनर होचंती पर्ल अग्रवाल नेक्स्ट रही हू हैज ओन ए गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप अंडर 14 एज कैटेगरी तो 14 वर्ष बयस कैटेगरी रे वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप रे किए स्वर्ण पदक हासिल करिसंती ताजुलम इस्लाम लालिना मेरिकम नसीब थप्पा तो करेक्ट आंसर होची ताजामुल इस्लाम 14 वर्ष बयस कैटेगरी रे वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप रे गोल्ड मेडल जीति एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो नेक्स्ट रही हू क्लींच्ड द वुमेन्स डबल्स टाइटल इन द WTT कंटेंडर टूर्नामेंट इन लास्को स्लोवेनिया तो स्लोवेनिया रो लास्को ठारे आमर WTT कंटेंडर टूर्नामेंट चलीला से डबल्स टाइटल किए वुमेन्स डबल टाइटल रो विजेता किए तो चारिटा ऑप्शन रही आप देखुं करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मनिका बात्रा एंड अर्चना कामत नेक्स्ट रही विनीता टप्पू वीरेन्द्र लाक्रा प्रबोध तिर्की आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ उड़ीसा तो विनीता टप्पू वीरेन्द्र लाक्रा प्रबोध तिर्की एसबू आम ओडिशार प्लेयर तो एम क्यों खेल सहित तो संपर्कित तो? फील्ड हॉकी ना रग्बी ना क्रिकेट ना रेसलिंग तो आम करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए फील्ड हॉकी सहित जड़ित नेक्स्ट रही ह्विच इंडियन स्टेट हैज टॉप्ड द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 तो 2021 पब्लिक अफेयर इंडेक्स जारी करा जाई छी सेथिरे शीर्ष स्थान रे किए रही छी तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स रे टॉप रे रही छी केरला ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट रही हू हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू टेक 100 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट एज द फास्टेस्ट 53 मैच तो 53 मैच रे 100 T20 विकेट नहीं प्रथम प्लेयर किए बनिले वरुण चक्रवर्ती रशीद खान भुवनेश्वर कुमार नन ऑफ द एबव तो सबुठ फास्टेस्ट 100 T20 विकेट नहीं किए रशीद खान अफगानिस्तान रो स्पिनर रशीद खान 53 ओनली 53 मैच रे 100 T20 विकेट नहीं नेक्स्ट रही द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर फिफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम लॉन्च्ड इन व्हिच सिटी तो विश्वर प्रथम फिफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम क्यों सहर लॉन्च कला पुणे दिसपुर भुवनेश्वर कोलकाता तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर ओडिशार भुवनेश्वर एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ RBI तो RBI रो आम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो गवर्नर को पुनः निजुक्ति दिया जाए छी तो किए वर्तमान गवर्नर अछंती तो ये आम करेक्ट आंसर है कौन ना ऑप्शन नंबर डी शक्तिकांत दास वर्तमान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो गवर्नर अछंती नेक्स्ट रही हू विल बी रिसीव्ड मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2021 फ्रॉम ओडिशा तो ओडिशा रो किए 2021 मेजर ध्यानचंद अवार्ड पाई तपन कुमार पाणिग्राही प्रमोद भगत अमित रोहिदास वीरेन्द्र लाक्रा तो 2021 रो मेजर ध्यानचंद खेलरत्न अवार्ड विनर होचंती प्रमोद भगत ओडिशा रो प्रमोद भगत नेक्स्ट रही आपण मन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज बीन शॉर्ट लिस्टेड लॉन्ग लिस्टेड नहीं इटा शॉर्ट लिस्टेड SHORT शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 तो 2022 रो इंटरनेशनल बुकर प्राइज पई 2022 रो इंटरनेशनल बुकर प्राइज पई केउ पुस्तक को बा केउ उपन्यास को शॉर्ट लिस्टेड करा जाय छि तो द एंजल्स ऑफ कैलाश राज कपूर द मास्टर एट वर्क नावरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म टॉम ऑफ सेंट तो ये हमारा करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर 4 टॉम ऑफ सेंट पुस्तक को बा उपन्यास को 2022 रो इंटरनेशनल बुकर प्राइज पई शॉर्ट लिस्टेड करा जाय छी ऑप्शन नंबर 4 होची करेक्ट आंसर
नेक्स्ट रहेछि विच इंडियन वुमेन हैज बीन गिवन यूएन वुमेन्स अवार्ड 2021 तो 2021 रो यूएन वुमेन्स अवार्ड रो विजेता किए तो एडी हमर करेक्ट आंसर रहि जइबो ऑप्शन नंबर बी दिव्या हेगड़े दिव्या हेगड़े। नेक्स्ट रहेछि हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द प्रेस्टिजियस यूएस जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप तो यूएस स्क्वाश यूएस जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप रो विनर फर्स्ट इंडियन किए से पचारिछि तो ये हमर विक्रम मल्होत्रा अच्छी बलवान सेंथिल कुमार सौरभ घोषल अनाथ सिंह तो प्रतिष्ठित यूएस जूनियर स्क्वाश ओपन चैंपियनशिप रे विनर प्रथम इंडियन होचंती अनाथ सिंह से ओनली 13 इयर्स रो 13 वर्ष बयस रो जे कि यूएस जूनियर स्क्वाश ओपन को विन करिछि। नेक्स्ट रहेछि हु हैज बीन नेम्ड जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 तो 2021 रो जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड रे कहा को पुरस्कृत करा गला रंजीत सिंह दानिश सिद्दीकी प्रेम शंकर झा रमेश यादव तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी दानिश सिद्दीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेछि व्हिच बॉलीवुड एक्टर हैज रिलीज्ड हिज फर्स्ट बुक बैचलर डैड तो बैचलर डैड नामक पुस्तक को कौ बॉलीवुड एक्टर लिखिछंती बा रिलीज करछंती तो देखंतु अक्षय कुमार मनीष मल्होत्रा अजय देवगन ना तुषार कपूर तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी तुषार कपूर। नेक्स्ट रहेछि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी एनएसए फ्रॉम जनवरी 2022 तो आमर जनवरी 2022 ठारु आमर नुआ डेप्यूटी एनएसए किए नियुक्ति पाइछंती तो ये चारिटा ऑप्शन रहेछि विक्रम मिश्री अजित डोभाल पंकज शरण राजेंद्र खन्ना तो आमर डेप्यूटी एनएसए माने एनएसए फुल फॉर्म होची नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तो वर्तमान डेप्यूटी एनएसए किए अछंती ना डेप्यूटी एनएसए अछंती विक्रम मिश्री आ एनएसए अछंती अजित डोभाल एनएसए अछंती अजित डोभाल अजित डोभाल वाइस बा डेप्यूटी एनएसए अछंती विक्रम मिश्री तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए विक्रम मिश्री। नेक्स्ट रहेछि विच स्टेट गवर्नमेंट बा विच स्टेट हैज टॉप द गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 रो गुड गवर्नेंस इंडेक्स रे केऊ राज्य शीर्ष स्थान रे अछि तो 2021 गुड गवर्नेंस इंडेक्स रे टॉप रे अछि किए ना गुजरात ऑप्शन नंबर सी होछि करेक्ट आंसर गुजरात। नेक्स्ट रहेछि हु हैज बीन नेम्ड पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2021 तो 2021 रो पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड रे किए पुरस्कृत होइछंती दीपिका पादुकोण प्रियंका चोपड़ा आलिया भट्ट ट्विंकल खाना तो ये 2021 रो पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड विनर होइछंती आलिया भट्ट। नेक्स्ट रहेछि वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट तो विश्व संगीत तानसेन फेस्टिवलटा कौ राज्य रे पालन करा जाए तो करेक्ट आंसर है जीवो ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेछि हु हैज बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 रो ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड रे कहा को सम्मानित करागला विनोद कुमार राणा बिरल सुधीर भाई देसाई सौरभ सिंह विक्रम शर्मा तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी बिरल सुधीर भाई देसाई। नेक्स्ट रहेछि व्हिच क्रिकेट टीम हैज ओन देयर फर्स्ट एवर विजय हजार ट्रॉफी इन 2021 विजय हजार ट्रॉफी विजेता टीम केउंटी गुजरात कर्नाटक तमिलनाडु हिमाचल प्रदेश तो 2021 रो विजय हजारे ट्रॉफी विजेता होचंती हिमाचल प्रदेश आ प्रथम थर पई ए ट्रॉफी को से हासिल करिछि। नेक्स्ट रहेछि हु अमंग द फॉलोइंग हैज ओन 2021 नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल 2021 रो नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल विजेता किए गीत सेठी पंकज आडवाणी विद्या पिलाई यासिन मर्चेंट तो 2021 नेशनल विलियर्स टाइटल विनर होची पंकज आडवाणी।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछ हू ओन साहित्य एकेडमी अवार्ड 2021 इन द इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी। तो आमर साहित्य एकेडमी अवार्ड विभिन्न कैटेगरी रे दिया जाउछ केंद्रीय साहित्य एकेडमी अवार्ड से पचार छि 2021 रो केंद्रीय साहित्य एकेडमी अवार्ड इंग्लिश भाषा रे कहाकू दिया जाइछि इंग्लिश भाषा रे कहाकू दिया जाइछि नमिता गोखले भरत्य साव बासु खालिद हुसैन ना किरण गौरव। तो करेक्ट आंसर होछि आपन मानकर ऑप्शन नंबर ए नमिता गोखले। नेक्स्ट रहिछि हू हैज ओन द सुशीला देवी अवार्ड्स 2021 फॉर द बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन बाय वुमेन ऑथर। तो 2021 रो सुशीला देवी अवार्ड्स रे किए फिक्शन कैटेगरी रे किए तार विनर अटंती। तो करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन नंबर ए अनुकृति उपाध्याय अनुकृति उपाध्याय। नेक्स्ट रहिछि व्हिच शिप हैज बीन डीकमिशन्ड बाय इंडियन नेवी आफ्टर 32 years ऑफ सर्विस। तो एमानक मधुरु को इंडियन नाभाल शिप 32 वर्ष सेवा देला परे से ताकु डीकमिशन करागला माने ताकु वर्तमान ताकु रिटायरमेंट दिया गला। तो करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन नंबर बी आईएनएस खुकरी। नेक्स्ट रहिछि हू हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड। तो वर्तमान रेलवे बोर्ड रो नुआ चेयरमैन एंड सीईओ किए नियुक्ति होइछंती। तो चारिटा ऑप्शन रहिछि विनय कुमार त्रिपाठी नवीन अग्रवाल वीके यादव सुनीत शर्मा। तो करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन नंबर ए विनय कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट रहिछि इंडियाज फास्ट यूनिक रॉक म्यूजियम हैज बीन इनॉग्रेटेड इन व्हिच सिटी। तो भारतर प्रथम रॉक म्यूजियम केउं जगारे कौ सहररे उद्घाटन करागला हैदराबाद लखनऊ बेंगालुरु ना पुणे। तो करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद तेलंगानार हैदराबाद सहर। नेक्स्ट रहिछि हू विल बी द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्तमान इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो रो नुआ चेयरमैन किए अछंती एस सोमनाथ ऋतु करिदान के सिवान एस किरण कुमार। तो वर्तमान इसरो रो नुआ चेयरमैन नियुक्ति होचंती एस सोमनाथ होचंती वर्तमान इसरो रो नुआ चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि आपन मानक पई व्हिच कंपनी हैज टेकन ओवर एज द आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप फ्रॉम 2023। तो आमर जो आईपीएल चली छि आईपीएल रो टाइटल स्पॉन्सरशिप को 2023 पर्यंत किए चार्ज नै छंती बा आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप 2023 पर्यंत को कंपनी को दिया जाय छि विवो अदानी अनअकैडमी ना टाटा। तो 2022 वर्तमान आम आईपीएल जो चली कंटिन्यू वर्तमान आईपीएल चली आउ 2023 यही दुई वर्ष पाई टाटा ग्रुप आईपीएल रो टाइटल स्पॉन्सरशिप नहीं ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये आज टोटल 36 क्वेश्चन थी गोटे क्वेश्चन एक्स्ट्रा रही तो आपण मैंने आउट ऑफ 36 के स्कोर करिसेंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाइबे जदि वीडियो भल लगते ताहले निहत गोटे लाइक करिवे एवं अधिकारु अधिक मात्रा रे कृपया संगे साथी मानकू निहाती भावे शेयर करिवे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।